लेट्स गेट स्टार्ट ऑफ इट। ये एंट्रेंस है मेट्रो की, और जैसे ही आप एंट्रेंस से नीचे आते हैं तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा जहां पर आपको रिचार्ज करने वाली मशीन्स और टिकट काउंटर्स होंगे जहां से आप टिकट को परचेज कर सकती हैं। जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो ऑलमोस्ट हर मेट्रो स्टेशन पर ऐसी शॉप्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, और कुछ फास्ट फूड शॉप्स होंगी जहाँ पे आप खाने पीने की चीज़ें परचेज कर सकते हैं। हाय गाइस, तो मैं अभी मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ, ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, और ट्रेन ऑलमोस्ट हर 5 मिनट्स के बाद मिल जाती है आप लोगों को। और हम जा रहे हैं बुर्जुमान मेट्रो स्टेशन। आपको बताते चलूँ, दुबई में दो ही लाइंस बेसिकली चलती हैं, एक ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन। रेड लाइन जो है वो राशिदिया से यू एक्सचेंज तक जाती है, और ग्रीन लाइन जो है वो ईटे सलात से क्रीक तक जाती है। तो बाकी दुबई में मेट्रो में ट्रेवल करने के लिए आपको नोल कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और ये नोल कार्ड जो है वो रिचार्जेबल होता है, वो आप रिचार्ज कर सकते हैं। ये नोल कार्ड है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, और ये मेट्रो स्टेशन का प्लेटफॉर्म है। और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, आप देख सकते हैं हर जगह को एलोकेट किया हुआ है, टैग्स लगाकर 2 मीटर्स का गैप रखना मैंडेटरी है, और ये मास्क पहनना। तो चलें आगे की जर्नी आप लोगों को दिखाते हैं, मेट्रो का सफ़र कैसा रहता है। सी यू गाइस। और ये मेट्रो स्टेशन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपनी ट्रेन्स का वेट कर रहे हैं। एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैबिन। दुबई मेट्रो में दो स्पेशल कैबिन्स बनाए गए हैं जो सिर्फ चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स के लिए एलोकेटेड है। और मेट्रो आ चुकी है, और अभी हम जाएंगे मेट्रो में। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, वुमेन एंड चिल्ड्रंस के ये दो एलोकेटेड ब्लॉक्स हैं, कैबिन्स हैं। वैसे तो वो दूसरी कैबिन्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल कैबिन्स हैं, जब रश आवर्स होते हैं तो वो ये यूज़ करना उनके लिए कन्वीनियंट होता है। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड इन दुबई मेट्रोस। और बाहर के कुछ मनाजर आप देख सकते हैं, हमारे सामने दुबई एयरपोर्ट है जहाँ पे एमिरेट्स के जहाज़ आपको नज़र आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बिल्डिंग्स। दुबई मेट्रो का रेलवे ट्रैक कुछ ऐसा है। एंड वी आर अबाउट टू एग्जिट, हम अपने स्टेशन पर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। दुबई मेट्रो स्टेशन पर आपको हर जगह ऐसे के बोर्ड दिखेंगे जहां पर आप अपना स्टेशन चूज करके और उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। और ये कार्ड सर्च किया और स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगी जितना बैलेंस आपके पास है। ये कार्ड टॉप अप का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अमाउंट जितनी भी आपको रिचार्ज करनी है वो सब लिखी हुई होगी। हम इस वक्त 5 दिरहम रिचार्ज कर रहे हैं, तो 5 दिरहम पे प्रेस करेंगे, और ये यहाँ पे हमने पैसे डालने हैं। आप पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते ऑपरेशन इन प्रोसेस, रिचार्ज हो चुका है। इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द रसीद, यू कैन प्रिंट द रसीद फ्रॉम एयर, और सिंपली अपना कार्ड यहाँ से रिमूव करना है, और द क्रेडिट इज डन। और सेकेंड ऑप्शन टिकट ऑफिस वाला है जहाँ पर आप अपना कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं। और ये एग्जिट स्टेशन है, यहाँ पे सिंपली कार्ड को पंच करेंगे और ये डोर ओपन हो जाएगा,
And here is the Behram Khan. So अभी हम ऊपर जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन से बाहर एग्ज़िट करने के लिए. तो ऑलमोस्ट हमने मेट्रो का टूर कर लिया और अभी मैं मेट्रो से बाहर आकर उसकी एग्ज़िट पर खड़ा हूँ. और मेट्रो मैंने खुद भी ऑलमोस्ट 6 months के बाद यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गया है. होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जो हमने बुर्जमान का टूर किया वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. तो एक्चुअली हमने बुर्जमान मॉल जाना था, इसलिए हमने मेट्रो का यूज़ किया और आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किया. बुर्जमान मॉल जो है बुर्जमान मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल एग्ज़िट पर है. देखें आप, ये बुर्जमान मेट्रो एग्ज़िट है और ये मेरे पीछे जो है बुर्जमान मॉल है. तो चलें इसके अंदर भी चलते हैं और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं.